Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing the unit number 4, that was number and logical skills. So this was the unit number 4 and we have completed brain teasers and the logical reasoning. So today I'm going to start with the fifth unit, that is language, literature, legends and myths. Okay, so this is the fifth unit that I'm going to begin with. Okay, so the first topic that I'm going to discuss from the unit number 5 is how is a book made, that is given at page number 14. So all of you kindly open your books at page number 14. That is, how is a book made? So, I'm just writing down the topic here. That is, how is a book made? And this topic is given at page number 14. This topic is given at page number 14, that is, how is a book made? So this is the topic, that is, how is a book made? Okay, and this is given at page number 14. Okay, so dekhiye, iska naam hi clarify kar raha hai ki that how is a book made. So that means in this topic we are going to discuss about the books that you are reading or the used to read. Zui nahi hai, sirf ye GK book ki baat kar rahi hu main. Any book that you read or any book that you study, how is it made? Wo banti kaise hai? Okay, so there is a long lengthy process jiske through aapki jo books hain wo banti hain. Okay, so here the first of all I'm just going to read out the heading. Do you know how many people are involved in the process of publishing a book? ओके तो कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक बुक बनाने के लिए, एक बुक की प्रोसेसिंग, बुक को कंप्लीट करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं फॉर कंप्लीटिंग दैट बुक, फॉर पब्लिशिंग दैट बुक. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स फॉर एन ऑथर्स विजन टू टेक द एक्चुअल शेप ऑफ अ बुक? ओके, जो एक, देखिए कोई भी बुक है, एनी बुक. ओके, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉवेल, अगर स्टोरी बुक्स, चलिए नॉवेल छोड़िए, हम स्टोरी बुक्स की बात करते हैं. देखिए आप सोचते हो, जो भी आप स्टोरीज आप बेटा पढ़ते हो, चाहे वो कार्टून स्टोरी हो या कोई इंस्पायर्ड स्टोरी हो, सो वो क्या होती है, वो किसी इंसान के दिमाग के आइडिया है. दैट इज एन दैट पर्सन, जिस इंसान की मैं बात करूं, दैट इज, ही इज द ऑथर और शी इज द ऑथर, जो कि वो बुक लिखता है. आपने देखा होगा ना, ऑथर ऑफ द बुक और राइटर ऑफ द बुक जिसको हम बोलते हैं. ओके, तो जो द बुक्स दैट वी रीड, दैट इज द थॉट्स of an author, of a person. Okay, he notes down, he pen it down on a piece of paper. तो देखिए, suppose आपको अलग अलग कहानी, कई लोग होते हैं बहुत creative होते हैं, ठीक है, some people they are so creative that वो बैठे बैठे ही कोई ना कोई creativity, कोई ना कोई story सोच लेते हैं. Okay, and later on वो उसी story को अपनी पेपर पे लिख के, जैसे भी जितने भी बुक्स हैं वो, मतलब उसको पेपर पे लिखना शुरू करते हैं. अगर आपने देखा होगा आजकल ऑडियो बुक्स का बहुत ही चलन है, मतलब पीपल दे लव टू लिसन ऑडियो बुक्स. आई माई सेल्फ आई एम ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ ऑडियो बुक्स बिकॉज आई एम नॉट फाउंड ऑफ रीडिंग, आई एम फाउंड ऑफ लिसनिंग टू द ऑडियो बुक्स. तो उसमें क्या होता है, वो ऑडियो बुक्स जो बुक्स हैं वो सुनाते हैं. ओके, तो जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ तो आप चाहे तो आंख बंद करके भी सुन सकते हो कि मैम क्या बोल रही हैं. ओके, सो वैसे ही जो ऑडियो बुक्स होती है उसमें वो स्टोरी सुनाते हैं, एंड वी लिसन टू इट. द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज ऑडियो बुक्स, दे लिसन टू इट. ओके, एंड व्हाट दे लिसन इज, दे लिसन टू द स्टोरीज, दे लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर पीपल. सो वैसे ही जो ऑथर हैं वो अपने जो आइडियाज है, अपने थॉट्स, अब देखो अपने आइडिया उनको जो आते हैं वो अगर उनके दिमाग में रखेंगे तो हम तक वो आइडियाज कैसे पहुंचेंगे. ओके, सो व्हाट दे डू, दे पेन डाउन, दे नोट डाउन, दे राइट डाउन ऑल देयर आइडियाज ऑन पेपर. ओके, तो वो पेपर के ऊपर वो लिखते जाते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन दे कंप्लीट द वर्क, ओके, एंड देन द प्रोसेसिंग अप टू द पब्लिशिंग, वो बुक कैसे, उनके आइडियाज जो उन्होंने पेपर पे लिखे हैं वो कैसे हमारे तक पहुंचती है, दिस इज द होल चैप्टर इज अबाउट.
ओके सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स एन ऑथर विजन टू टेक द एक्चुअल शेप ऑफ अ बुक. हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बुक. ठीक है, कहते यहाँ पे नीचे एक पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है, डिटेल इंट्रोडक्शन दी उन्होंने कि एक बुक है वो कैसे बनती है. ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज गिवन हियर. ओके सो द फर्स्ट इज द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज गिवन. इट ऑल बिगिन्स विद द राइटर्स पेनिंग डाउन देयर आइडियाज. राइटिंग कैन टेक अ लॉन्ग टाइम. द ऑथर हैज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, रिवाइज द टेक्स्ट and edit the book before it is finally complete. Once the author is happy with the work, a copy of it called a manuscript is sent to the publisher. So, देखिए इन्होंने क्या लिखा है. It all begins with the writer penning down their ideas. ये सबकी book की शुरुआत कहाँ से होती है? जब एक writer, जब एक author अपने जो ideas को, अपने thoughts को लिखता है. Penning down means to write something on a paper. That is penning. Pen से you would get penning down. मतलब लिखना. That is known as penning down. So when an author writes down his ideas on a paper, okay, so it starts this process of publishing a book or making a book starts from there. So when an author starts penning down in his ideas on a book, on a sheet, on a paper or on a sheet. Okay, the author has to do a lot of research, revise the text and edit the book before it is finally complete. ये नहीं कि उसके सिर्फ ideas आ गए और उसने लिखना शुरू कर दिया. No, before that he has to make a lot of research. Suppose an author he is fond of writing some horror stories. किसी author को horror stories लिखने का शौक है तो उनको एक ऐसी जगह से ये story का background लेना होगा जो कि एरिया वैसा हो. देखिए आपने जितने भी ज्यादातर देखे होंगे जो हॉरर स्टोरीज हैं वो ज्यादातर या तो किसी हवेली से शुरू होते हैं या तो किसी हिली एरिया से जहां पे लोगों की द पॉपुलेशन इज वेरी लेस. तो ज्यादातर आपने मूवीज में भी देखा होगा वहां पे भी एंड इवन इन द स्टोरी बुक्स द मोस्टली द हॉरर स्टोरीज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली. ओके सो वैसे ही जब ये ऑथर कुछ भी स्टोरी लिखते हैं तो ये नहीं कि बस उनके मन में आए वो लिखने. जब जैसे सपोज उनको सपोज जैसे कि उनको कोई हॉरर स्टोरी लिखनी है तो सबसे पहले वो एक ऐसे जगह की खोज करेंगे जो कि एक हॉरर प्लेस है जो कि लोगों के बीच में उनके मतलब जैसे कि हम बात करें एक गढ़ है किला है दैट इज नियर भरतपुर. आई डोंट गेट इट्स नेम. आई थिंक पानगढ़ और समथिंग कोई किला है. ओके मतलब उसमें बोला जाता है कि दैट इज बीइंग सेड लोगों के बीच में गलत फहमी है. तो हो सकता है वो अपने आइडियाज वहां से लेके स्टोरी शुरू करेगी. राजस्थान की एक जगह है उसके पास में यहाँ पे एक किला था एंड फ्रॉम देयर ही विल स्टार्ट राइटिंग हिज स्टोरी. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू मेक सम रिसर्च. ही हैज टू फाइंड सम आइडियाज और सम बैकग्राउंड फॉर हिज स्टोरी. ओके एंड अगर वो उसमें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लिख रहा है तो उसको उसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू रिवाइज दैट कि जो फैक्ट्स और फिगर वो दे रहा है दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट. ओके And when he complete the book, then he just revise all the text. कि जब वो लिख लेता अपनी story या book जो भी वो लिख रहे हैं and then again he revise the text that whatever he has written is it correct, the spellings are correct or is editing is required or whether any text or ऐसा कोई lines तो नहीं है that is against the social. दैट इज इन सोशल. तो कुछ ऐसी चीज बात ना लिखी हो उसने जो कि इन सोशल जिसको पकड़ पढ़ के लोगों में गुस्सा या भड़काव की भावना है. सो ही नीड टू रिवाइज द टेक्स्ट. ही नीड टू री रीड द टेक्स्ट वट एवर ही हैज रिटन. ओके एंड ही नीड्स टू एडिट द बुक. ओके सो ही ऑल्सो नीड्स टू मेक द नेसेसरी चेंजेस. उसको जो जरूरी चेंजेस उसमें करने हैं वो भी करने पड़ेंगे. ओके Once the author is happy with the work, a copy of it is called a manuscript is sent to the publisher. Okay? And jab author apni puri story likh leta hai and when he is happy that whatever he has written that is perfectly correct, that the proper editing he has done, he has already revised the text, then a copy of that written material is sent to the publisher so that he can publish the book. ओके एंड ही डोंट सेंड द ओरिजिनल कॉपी. वो उसको ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजते. दे सेंड इट द कॉपी ऑफ इट. सो दे सेंड अ कॉपी ऑफ देयर स्टोरी टू द पब्लिशर और द पब्लिशिंग हाउस. ओके एंड दैट कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट दैट दे सेंड टू द पब्लिशर और पब्लिशिंग हाउस इज नोन एज मैनुस्क्रिप्ट. ओके उसको क्या बोला जाता है दैट इज नोन एज मैनुस्क्रिप्ट. क्लियर. मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड पैराग्राफ. एट द पब्लिशिंग हाउस
एंड एडिटर रीड्स द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इफ द एडिटर लाइक्स इट ही आस्क्स द पब्लिशर टू पब्लिश द बुक ओनली व्हेन द पब्लिशर इज श्योर दैट इट विल बी अ गुड सॉरी इट विल बी अ गुड बुक डज इट गेट पब्लिश्ड ओके सो कहते जब वो पब्लिशिंग हाउस में ये नहीं किया ऑथर ने भेजे उन्होंने पब्लिश करनी शुरू कर दी नो बिकॉज देखिए पब्लिशिंग हाउस है उसको भी अर्निंग करनी है उनको भी देखना है कि अगर वो इस बुक को पब्लिश करेंगे सो विल दे गेट एनी मनी उनको कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं मतलब दे विल गेट सम अमाउंट और नॉट कि मतलब दिस बुक विल बी अ हिट कि लोगों को ये बुक पसंद आएगी लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं सो दे ऑल्सो नीड्स टू नो अबाउट सर्टेन फैक्ट सो वॉट डिड द पब्लिशर डू फर्स्ट ऑफ ऑल ही गिव दैट बुक और दैट मैन्युस्क्रिप्ट टू द एडिटर वो अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है ही गिव्स इट टू द एडिटर ओके एट द पब्लिशिंग हाउस एंड एडिटर रीड्स द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इफ द एडिटर लाइक्स इट ही आस्क्स द पब्लिशर टू पब्लिश द बुक सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द ऑथर सेंड हिज मैन्युस्क्रिप्ट टू द पब्लिशिंग हाउस द हेड ऑफ द पब्लिशिंग हाउस ही गिव्स और ही सेंड्स दैट और ही गिव्स दिस मैन्युस्क्रिप्ट टू हिज एडिटर एंड आस्क द एडिटर टू रीड दैट बुक टू रिवाइज द कंटेंट दैट वेदर दिस बुक विल बी अ सक्सेस और नॉट वेदर दिस बुक विल गेट मार्केट और नॉट ओके एंड व्हेन वंस द एडिटर इज सेटिस्फाइड दिस बुक इज वेरी गुड पीपल आर गोइंग टू लाइक द कंटेंट दैट इज गिवन इन द बुक देन ही गिव हिज आइडिया टू द हेड ऑफ हिज पब्लिशिंग हाउस येस द बुक इज गुड द वे इन दैट वी शुड पब्लिश इट ओके एंड देन आफ्टर गेटिंग हिज आइडियाज ओके तो पब्लिशर जब अपने एडिटर के आइडियाज लेता है ओनली देन ही इज रेडी ओनली व्हेन द पब्लिशर इज श्योर दैट इट विल बी अ गुड बुक डज इट गेट पब्लिश तो देखिए उन्होंने अपने एडिटर को बोला टू रीड द बुक टू रीड द कंटेंट दैट विल इट बी आर पीपल आर गोइंग टू लाइक इट और नॉट एंड व्हेन द एडिटर लाइक्स इट ही गोज अगेन टू हिज द हेड ऑफ द पब्लिशिंग हाउस एंड सेल यस सर दिस बुक इज गुड ये बुक अच्छी है वी शुड पब्लिश इट बट ये नहीं कि एडिटर ने बोला एंड ही विल जस्ट पब्लिश देन द हेड ऑल्सो द पब्लिशर हिमसेल्फ ही रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ वट एवर ही थिंक्स मतलब ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू रीड पहले वो भी खुद रीड करता है एंड देन ही जस्ट वेन ही वॉज श्योर कि दैट दिस बुक इज गोइंग टू बी अ हिट और दिस बुक विल बी लाइक बाय द पीपल people are going to buy that book only then he take the next step that is for that he goes for the publishing that book only then he decide that whether he is going to publish it or not so that means editor ne unko publisher ko bataya publisher ne fir se usko dekha book ko and jab usko surety hai ki yes this book is going to be liked by the people around and only then he is going to publish the book so when once he is satisfied okay only then he will be ready to publish the book chaliye moving next to the third step so when now the publisher is also satisfied and the writer and the editor is also satisfied they both are ready to publish the book okay the next the third step is okay once the manuscript is finalized the editor works with the writer and make necessary changes the editor makes sure that the text does not have any factual or the grammatical errors okay so the third step is rectification or you can say editing of the book by the in the publishing house so dekhiye now everybody is ready to publish the book so now jo publisher hote hain what he do he give his book to the editor wo apne editor ko book dete manuscript dete not book so they give the manuscript to the editor and ask him to rectify all the errors that are in that मैन्युस्क्रिप्ट तो वो क्या कहते हैं अपने नेक्स्ट एडिटर को देते हैं ना एडिटर विल रीड आउट थोरो विल डू द थोरो रीडिंग ऑफ दैट मैन्युस्क्रिप्ट एंड देन ही विल आल्सो ही विल चेक द स्पेलिंग्स द ग्रामेटिकल एरर्स द फैक्ट्स द फिगर एवरीथिंग विल बी क्रॉस चेक्ड बाय द एडिटर ओके नॉट ये अकेला नहीं कि मतलब एडिटर बैठ के सारे क्रॉस चेकिंग करता है ही जस्ट चेक द फैक्ट्स एंड फिगर ओके ही सिट्स अलॉन्ग विद द राइटर सो द एडिटर एंड द राइटर दे सिट अलॉन्ग एंड दे मेक all the necessary changes that are required to be made in the book they also check about the grammatical errors okay words spellings errors and facts figures and they also make sure that there should not be any content which is unsocialized that will create some kinds of riots among the people
ओके सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट दे नीड टू बी वेरी केयरफुल ओके वाइल मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस और वाइल मेकिंग द एडिटिंग सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ द एडिटिंग दैट दे ट्राई टू मेक ऑल द नेसेसरी चेंजेस सो दैट द बुक शुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इलीगल कंटेंट इन टू इट ओके सो दिस वॉज द एडिटिंग ऑफ द बुक ओके एंड द एडिटिंग ऑफ द बुक इज डन बाय द editor along with the writer so they both sits along with each other and then they make all the necessary changes that are required to be made in the book clear okay so this was the third step next is the fourth one the fourth step is meanwhile the designer comes up with a good design for the book later the text and images are arranged in the form of print ready pages To make the book error-free, the first draft of the printed book is reviewed by the proofreaders. They check the entire book very minutely, including words, images, figures, and the tables. Okay, so the next is, okay, while the editor and the writer is busy in making and rectifying all the errors in that book, so there's another team, okay, that is a designing team, book designer team. Book designer team means जो कि book का cover page को design करती है. ओके सो द बुक डिजाइनर द कवर पेज के जो डिजाइनर होते हैं ही कम्स अप विद आइडियाज वेरियस आइडियाज फॉर प्रिंटिंग प्रिंटिंग द कवर पेज ऑफ दैट बुक ओके सो उसमें कुछ फिगर्स और कुछ कलर मतलब दे जस्ट अरेंज ऑल द डिफरेंट कलर्स एंड फिगर्स इन सच अ मैनर पिक्चर्स को अरेंज करते हैं सो दैट द बुक लुक्स वेरी मतलब इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर मतलब अगर देखिए आपको नॉर्मल सी प्लेन सी वाइट सी बुक आपको दे दी जाए सो विल यू बी एबल टू रीड इट मतलब आपका इंटरेस्ट आएगा बट वहीं थोड़ी सी बुक के अगर फ्रंट पेज ही थोड़ा अट्रैक्टिव तो वी आर अट्रैक्ट टू वी गॉट अट्रैक्ट टू वॉज इट ओके हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ओके सो वैसे ही द डिजाइनर द बुक डिजाइनर ही केम अप ही कम अप विद द आइडियाज दैट व्हाट शुड बी द कवर पेज एंड हाउ शुड बी द हाउ द कवर पेज ऑफ द बुक शुड बी डिजाइन सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट ओके एंड ही अरेंज ही जस्ट कम अप विद द वेरियस आइडियाज फॉर द कवर पेज नेक्स्ट एंड वंस द कवर पेज इज रेडी द कवर पेज इज फाइनलाइज्ड तो देन सम सर्टेन बुक प्रिंट्स ऑफ दैट सर्टेन कॉपीज ऑफ दैट बुक इज प्रिंटेड तो उस बुक की कुछ कुछ कॉपीज है प्रिंट की जाती हैं ओके एंड दैट बुक इज गिवन टू द प्रूफ रीडर सो दैट दे कैन रीड द बुक वेरी थॉरली माइनेटली एंड दैट बुक शुड बी एरर फ्री तो उस बुक उस मेनुस्क्रिप्ट को एक बुक में कन्वर्ट करके उसकी कुछ कॉपीज बनाई जाती है एंड दैट दोज कॉपीज आर गिवन टू द प्रूफ रीडर्स ओके एंड द प्रूफ रीडर्स दे जस्ट रीड ऑल द बुक वेरी माइनेटली माइनेटली मीन्स बहुत ही बारीकी से वो पूरी बुक को पढ़ते हैं दे चेक ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ओके एंड दे जस्ट फाइनलाइज दैट देयर शुड बी नो एरर इन द बुक ओके सो दैट इज यू कैन से दैट इज द फाइनल एरर चेकिंग इन द पब्लिश इन अ बुक ओके ओके सो दे इंक्लूड्स वर्ड्स इमेजेस फिगर्स एंड टेबल्स सो दे चेक ईच एंड एवरीथिंग लाइक वर्ड्स images figures and tables they check each and everything very minutely that there should be error free the book should be completely error free so this error free last error free checking is done by the proofreaders whom certain copies are printed and given to them next once the pages of the book are finalized they are given to the printer At the printing press, the pages are printed on a huge printing machine. The paper is then folded in the correct order, bound inside the cover, and trimmed to size. Trimmed to size, the writer's manuscript is now a real book. Okay. So, देखिए जब proofreading में भी जितने भी errors होते हैं उसको rectify करने के बाद now अब जो book की जो pages हैं जो finalized हो गए हैं कि that this book is now going to be printed. Okay. So, what they do is the next step is. Now the pages are finalized, the cover page is finalized. Now that finalized pages and that cover, the finalized cover page is sent to the printing press. उसको printing press में भेजा जाता है ताकि जो कि जो printing press वाले हैं they can make certain number of copies. Suppose first they have decided to print only 500 copies of that particular book. पहले वो उस book की 500 copies निकलवाते हैं okay?
तो दे मेक द 500 कॉपीज ऑफ ईच पेज एंड द कवर पेज, एंड देन दैट पेजेस आर प्रॉपरली फोल्डेड, उनको प्रॉपरली फोल्ड करके उस कवर पेज में डाल के, एंड दैट इज ट्रिम्ड, तो उसको प्रॉपरली एक बुक की शेप दी जाती है. ओके, एंड द राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट इज नाउ रीडल बुक. सो नाउ द आइडियाज, द थॉट्स ऑफ दैट ऑथर इज नाउ हैव टेकन द शेप ऑफ अ रियल बुक्स. ओके, देखिए उसकी शुरुआत उसके दिमाग से हुई थी, सोच से हुई थी. नाउ इट हैज टेकन द शेप ऑफ अ रियल बुक आफ्टर इट इज इट गॉट नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रिंटेड इन द प्रिंटिंग प्रेस ऑन अ ह्यूज मशीन. सो प्रिंटिंग प्रेस ये नहीं कि छोटी मोटी होती है, दे आर वेरी ह्यूज मशीन्स. ओके, एंड एट एंड अ सिंगल टाइम, एट एक टाइम पे वहां पे नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रिंटेड. ओके, एंड देन दोज कॉपीज ऑफ पेजेस आर फोल्डेड प्रॉपरली एंड ट्रिम्ड इन साइड अ कवर पेज, एंड देन रिटर्न इट्स ट्रिम्ड टू गिव इट अ प्रॉपर शेप ऑफ अ बुक. सो नाउ द आइडियाज ऑफ दैट ऑथर इज नाउ इन अ शेप ऑफ अ रियल बुक. क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज इट इज नाउ टाइम फॉर द मार्केटिंग एंड द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ बज इन द मार्केट सो दैट द पीपल कम टू नो अबाउट द बुक इवन बिफोर इट इज रिलीज्ड. दे अरेंज फॉर द बुक लॉन्च पार्टीज, दे ऑल्सो मेक श्योर दैट द बुक गेट रिव्यूड इन न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज इन विच पीपल कैन बी इन्फॉर्म फॉर फोर्थ कमिंग बुक्स? ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप. देखिए ना, अब देखिए बुक हमें बुक बन तो गई है, बट हमें कैसे पता लगेगा, हाउ वी विल बी एबल टू नो दैट दिस बुक इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो व्हाट इज दिस इज नाउ द बुक हैज नॉट प्रॉपरली फाइनलाइज, इट हैज टेकन द ऑथर आइडियाज हैज टेकन द शेप ऑफ अ बुक. नाउ इट इज द टाइम फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ बज, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ बज इन द मार्केट सो दैट पीपल कैन केम टू नो अबाउट दिस बुक. अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जो कि हर कंपनी में होता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, उनका काम होता है कि वो लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में आगाह करवाएं कि दैट नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च अ बुक. ओके, एंड दैट बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके कंटेंट कैसे. तो दे जस्ट टेक वेरियस आइडियाज, दे यूज वेरियस अदर मैथड्स टू पब्लिश टू सो दैट दे कैन लोगों के बीच में टू पब्लिसिटी, टू डू द पब्लिसिटी ऑफ द बुक. आपने देखा होगा जैसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जैसे उनकी कोई मूवी आती है, सॉन्ग आते हैं, सो व्हाट दे डू, दे कम ऑन वेरियस रियलिटी शोज सो दैट वो लोगों को बता सके दैट आर न्यू मूवी इज कमिंग, द नेम ऑफ द मूवी, दे विल टेल यू अबाउट द नेम ऑफ द मूवी, दे विल टेल यू अबाउट द रिलीजिंग डेट ऑफ द मूवी, सो दैट द पीपल आर अवेयर ऑफ द न्यू मूवीज ऑन द फोर्थ कमिंग मूवीज. फोर्थ कमिंग मीन्स जो आने वाली है, जो आने वाली बुक्स हैं, आने वाली मूवीज हैं, उनको हम कहते हैं फोर्थ कमिंग. ओके, सो वी द कॉमन पीपल वी डोंट नो अबाउट द बुक, सो हाउ वी विल केम टू नो अबाउट द बुक, ओनली व्हेन वी विल सी द वेरियस एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द बिग बैनर्स. ओके, और सम अदर बुक लॉन्च पार्टीज विल बी देयर. तो अलग अलग उनके पब्लिसिटी करने के उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं. कुछ वो लोग बुक लॉन्च पार्टीज रखते हैं, सम दे अरेंज अरेंजमेंट, सम दे मेक एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, कुछ लोग बड़े बड़े बैनर्स लगा के लोगों को उसके बारे में बताते हैं, आपने देखा होगा. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ द पब्लिसिटी एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट सो दैट दे कैन डू द मार्केटिंग ऑफ द बुक और द पब्लिसिटी ऑफ द बुक. ओके, अदर देन दैट दे ऑल्सो अरेंज फॉर द वेरियस बुक लॉन्च पार्टीज. तो बुक लॉन्च पार्टीज में क्या करते हैं, दे इन्वाइट द ऑथर, वो ऑथर को इन्वाइट करते हैं और उनसे बुक्स, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बुक साइन करवा के, ऑथर के साइन करवा के वो बुक्स देते हैं. सो दैट पीपल आर मोर, मतलब जो लोगों को, द पीपल दोज हु आर फाउंड ऑफ रीडिंग, दे लव टू कम टू, दे लव टू मीट विद दी और ऑथर्स. तो उनको ऑथर से मिलना मजा आता है, तो वो उनके सिग्नेचर की हुई बुक्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ओके, लास्ट इज द फिनिश्ड बुक्स आर डिलीवर्ड टू द बुक स्टोर्स एंड द लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री एंड समटाइम्स अराउंड द वर्ल्ड. द सेल्स टीम वर्क हार्ड टू पुश द बुक सेल्स. एट द एंड ऑफ द एवरी सीजन अ पार्ट ऑफ द मनी एंड पब्लिशर अर्न्स फ्रॉम द सेल ऑफ ईच बुक गोज टू द ऑथर एज रॉयल्टी. ओके, सो नाउ द बुक इज कंप्लीटेड, नाउ इट हैज बीन
द मैन्युस्क्रिप्ट हैज चेंज इन टू अ बुक, कंप्लीट बुक. ओके नाउ पब्लिसिटी इज डन, नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ द बुक. सो नाउ जब लोगों, तो फिर वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट दे डिसाइड, ऑन दैट डे दे डिलीवर द डेट बुक टू द वेरियस बुक स्टोर्स एंड द लाइब्रेरीज अराउंड द सिटी, और नॉट अराउंड द स्टेट, अराउंड द कंट्री, और समटाइम्स इंटरनेशनली ऑल्सो. ओके, आपने सुना होगा, आपने देखी होगी हैरी पॉटर और उसकी सीरीज हैं जो. ओके, सो दैट इज ओरिजिनली इट वाज अ बुक, शुरुआत एक बुक से हुई थी, बट लोगों को वो बुक इतनी पसंद आई कि दे हैव स्टार्टेड मेकिंग द मूवीज आल्सो. तो नाउ पीपल आर लविंग द बुक, सम पीपल दे, मतलब इवन आफ्टर वॉचिंग द मूवी सम पीपल दे ऑल्सो रीड द बुक एज वेल. सो दे लव रीडिंग, दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ओके, सो नाउ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि जब लोगों को पता लग जाता है, मतलब नाउ वी आर अवेयर, सो दे जस्ट द मार्केट, नॉट द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो अलग कंट्री के अलग अलग जगह पे, बुक स्टोर्स पे एंड लाइब्रेरीज में दे सप्लाई दोज बुक, एंड द पीपल हु आर फाउंड ऑफ रीडिंग दे परचेज द बुक्स और दे बोरो द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरीज. ओके, एंड दे रीड इट एंड देन दे गिव देयर रिव्यूज एज वेल. ओके, नाउ एट द एंड ऑफ, और ये सेल्स डिपार्टमेंट का कोशिश होती है कि वो उस बुक की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज को बिकवाए बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ पब्लिसिटी. ओके, एंड अगर उस बुक की सेल है, वो बहुत ज्यादा है, लोगों में डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, पहले सपोज उन्होंने 500 कॉपीज मंगवाई और 500 कॉपीज बहुत जल्दी बिक गई, मोर देन एक्सपेक्टेड, सो दे विल गिव अगेन एन ऑर्डर फॉर रीप्रिंटिंग द सेकेंड स्लॉट ऑफ दैट बुक. Okay, if the book is, once the book is successful, so they give the order for the printing of the second slot. Okay, and us book ki selling se, ठीक है, हर सीजन के एंड पे जितना भी मनी वो अर्न करते हैं, the some part of that money goes to the writer. तो जो पब्लिशिंग हाउस है, जितना भी पैसा वो बुक को सेल करके आता है, वो सब किसके पास आता है, वो सब किसके पास आता है, पब्लिशिंग हाउस पे. तो उसका कुछ सर्टेन अमाउंट जो कि उनके बीच में प्रायर कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइडेड है, दे जस्ट पे सम अमाउंट ऑफ दैट प्रॉफिट दैट दे हैव अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ दैट बुक, फ्रॉम द सेल ऑफ दैट बुक, दे गिव सम अमाउंट ऑफ दैट टू द राइटर एज द रॉयल्टी. ये नहीं कि एक बार बुक बेची बस उतना है. तो हर सीजन जैसे जैसे उसकी सेल होती जाएगी, वैसे वैसे कुछ टाइम पीरियड के बाद जो भी उनका डिसाइडेड टर्म्स हैं, ऑन दैट बेसिस दे गिव दैट सर्टेन अमाउंट टू द राइटर, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज रॉयल्टी. उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी. ओके, सो दिस वॉज द, दिस इज हाउ अ बुक इज कंप्लीटेड. सो यू कैन हैव यू एवर इमेजिन कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ बुक टू गेट अ प्रॉपर शेप. Now the quick quiz is here, so let's do the quick quiz. First one is, what is a book with a soft paper cover called? Okay, so एक book जिसकी की जो cover है, that is a very soft, आजकल जो mostly books हैं उनके जो paper cover paper है, बहुत ही soft paper से बने होते हैं. So what is that, those types of book called, that books are called paperback. Okay, so what is a book with a soft paper cover called, that is called paperback. So write down paperback. So the answer for the first one is paperback. Moving next to the second one. The second is, who invented the mechanized printing press? Mechanized printing press kisne invent ki thi? So mechanized printing press was invented by Jonas Gutenberg. So mechanized printing press was invented by Jonas Gutenberg. Jonas Gutenberg. Gutenberg. That is Jonas Gutenberg. That is Jones Gutenberg. Not Jonas, it's Jones. Jones Gutenberg. The third one, at the end of many books, you will find a list of words with page numbers of where the word appears in the book. What is that called? तो आपने देखा होगा book के end में कुछ एक list होती है जिसमें कि कुछ typical words होते हैं, और साथ में mention किया होता है कि ये word किस book, किस कौन से page number पे है. So what is that page called? That is known as index. That is known as index. Moving next to the last, the fourth is,
व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ टू द बुक बाय एन एमिनेंट पर्सनालिटी कॉल्ड। एक बहुत ही पहुंचा इंसान जब किसी बुक की इंट्रोडक्शन देता है और कुछ उसके कुछ वर्ड्स लिखता है उसके लिए, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। और ये मोस्टली बुक की स्टार्टिंग में ही होता है, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड, FOREWORD, दैट इज फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्विक क्विज दैट इज गिवन एट पेज नंबर 50। क्लियर? So this was my today's session class. So with this, I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.